हेलो एवरीवन, ये एनयूटी का फोर्थ पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी को। तो हम लोग अब तक तीन वीडियो देख चुके हैं एनयूटी पे और दो वीडियो हो चुका है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयूटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी ड्यू, और ये जो हम लोगों का लेक्चर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। कि सबसे पहले पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी, ऑर्डिनरी मतलब कि जब हम लोगों का पेमेंट वगैरह जो हो रहा है, ठीक है, वो कब हो रहा है, ईयर के या पीरियड के एंड में। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं पहले से। तो एक सबसे पहले इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं जो हम लोगों के बुक का एग्जांपल है। तो बुक का एग्जांपल क्या है कि मान लो हर साल के एंड में ₹1000 पेमेंट किया जा रहा है या इन्वेस्ट किया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और टाइम जो है वो है 5 ईयर्स। दो तरीके हैं, हम लोग जानते हैं, एक तो फार्मूला के द्वारा है जो हम लोग फार्मूला के द्वारा सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनयूटी, इसका फार्मूला क्या है, सी क्या हो गया, वो जो कैश फ्लो है, मतलब हर साल जो इक्वल अमाउंट का जो कैश है वो मल्टीप्लाइड बाई 1+r⁻ⁿ -1, एंड में -1 नहीं है, साइड में -1 है। ओके, आर इंटू 1+r⁻ⁿ। अब देखिए ये r क्या है, इसको 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/100, दैट मीन्स 0.05। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है इस तरह का सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस तरीकों को अगर सॉल्व करना है, मैंने जो तरीका आपको बताया शॉर्ट ट्रिक, उससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि सी हम लोगों का हो गया 1000, 1+0.05, आर का वैल्यू तो हम लोग का 0.05 है, टू द पावर एन कितना है 5, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 1+0.05 टू द पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स 1.05 टू द पावर 5 का वैल्यू हम लोगों को जानना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे। अगर हम लोगों को 1.05 टू द पावर 5 हम लोगों को निकालना है, तो सिंपल हम लोग देखते हैं 1.05, ओके, ये हम लोगों का है। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, कितना आ गया 1.2762, वन पॉइंट, ये हो गया 1000, 1.2762 माइनस 1, नीचे में 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.2762, यही वाला वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 1000 ऊपर में क्या हो जाएगा 0.2762, क्योंकि 1 माइनस करने से ये हो जाएगा, और यहाँ पे है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.2762। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा, देखो इधर 0.2762 है, 0.2762 डिवाइड बाई क्या है 0.05, फिर से डिवाइड बाई 1.2762, ये है, ओके, ये 1.2762 इज इक्वल टू कितना आया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 4.3284 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दे तो कितना आ रहा है 4328.47, और आपके बुक का देखिएगा तो कितना है, बुक में है 4328.45, ये आपके बुक का है, लगभग सिंपल इक्वल आ गया, 0.02 का डिफरेंस हल्का सा। तो ये हम लोगों का आंसर है, लेकिन इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्यों इतना मतलब टाइम वेस्ट करना है हम लोगों को, जब हम लोगों को पता है कि एक सिंपल तरीका आता है हम लोगों को, किस तरीके से करेंगे, वो तरीका से अगर मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा,
वन डिवाइड बाई 1.05, एक दो तीन चार पाँच, ये फिर जीटी, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1000, कितना आ रहा है 4329.47, एकदम एग्जैक्ट है हम लोगों का, एकदम बुक में कितना है 4329.47 है बुक में, और यहाँ पे हम लोगों का कितना आ रहा है 4.29.47, तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। कितना सेकंड लग रहा है इसको, 10 से 15 सेकंड अगर हम लोगों को आता है तो क्या है इसके लॉजिक के साथ हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता हूँ, ओके देखिए, ये ईयर है ईयर वन, ये बिगनिंग, ये एंड, ईयर टू ये बिगनिंग, ये हो गया एंड, ईयर थ्री ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया एंड, ईयर फोर ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया एंड, ईयर फाइव ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया एंड, ठीक है। तो हर साल के एंड में पेमेंट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी में क्या होता है ईयर के एंड में पेमेंट होता है। तो जब हर साल के एंड में पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1000 रुपया हुआ, 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 और यहाँ पे 1000 रुपया हुआ। अब क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, सब कोई को इस पोर्शन में लेके आना है, इसको उठा करके यहाँ पे लेके आना है, इसको उठा करके यहीं पे लेकर आना है, इसको भी सेम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, सेम इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, और इसको भी हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आना है। यहाँ तक समझ आया? जब इसको, ये ईयर का एंड है ना, तो इसको बिगनिंग में लेकर आएंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने, मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाया जाता है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो मैं इसमें आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 1.05, ये इसका हो जाएगा टू द पावर ये 1, और ये इसका हो जाएगा। सेकंड वाला का क्या होगा, ये 2 साल के एंड में बोल रहा है ना, ये सेकंड ईयर के एंड में है, तो हमको लाना है फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, तो 2 साल का यहाँ पे लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 3, सेम यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 4, 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 5। फिर आप लोग देखोगे इसको हम लोग जब बिगिनिंग में लेकर आ रहे हैं तो डिवाइड बाई 4, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब कहीं पे हम लोगों को प्लस 1 वाला चक्कर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली सारा 1, 2, 3, 4, 5 के केस में आ रहा है। तो इसको सबको एक वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आएगा उसमें मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे। देखिए क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको इसका बता रहा हूँ कि ये जो 1 डिवाइड बाई 1.05 को बिगिनिंग में लेकर आ रहे हैं, ये देखिए इसमें क्या है, इसको क्या है इसमें 1000 है मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.05, ये 1000 है 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर स्क्वायर, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 3, तो इसमें सब में मल्टीप्लाइड है 1000, तो 1000 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये सब बचेगा एडिशन में, बचेगा ना सारा एडिशन में, तो 1000 को जैसे ही हम लोग कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है हम लोगों के पास 1.05 टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.05 टू द पावर 5। इन सबको ऐड कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो यही जो हम लोग निकालते हैं ना सबसे बेस्ट तरीका, तो इतना करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, जब हम लोगों को कैलकुलेटर अलाउ कर रहा है तो हम लोग कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं। किस तरह से कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई 1.05, 05 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5% का रेट है, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना शुरू करेंगे, इक्वल टू कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ये जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एन टाइम्स, एन यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है 5 टाइम्स। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम लोग फिर क्या कर देंगे जीटी, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझिएगा।
देखिए हम लोगों को ये सबको ऐड करना है, 1 डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर 1, 1 डिवाइड बाय 1.05 टू द पावर 2, ये सबको ऐड करना है। तो हम लोग जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए, एक मिनट। हाँ देखिए, जब हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो 1 डिवाइड बाय 1.05 तो किए। देखिए जीटी हम लोग क्यों प्रेस करते हैं कि जितना बार हम लोगों का इक्वल टू में जाएगा ना ये वैल्यू, जितना बार इक्वल टू में जाएगा वो सारा ऑटोमेटिकली जीटी वाले बटन में, मतलब ग्रैंड टोटल में ऐड होते जाता है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.05 करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या हो गया, फर्स्ट वाला का जीटी में चला गया, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 0.09523 ये वाला का 0.9523 ये वैल्यू हम लोगों का जीटी में चला गया। फिर जब ये फर्स्ट वाला का चला गया, सेकंड वाला जब इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू है 0.9070 ये हम लोगों का जीटी में चला गया। फिर से जब इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो इस वाला का वैल्यू 0.8638 जीटी में चला गया। फिर से जब फोर्थ टाइम इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं तो ये 0.8227 जीटी में चला गया। फिर से लास्ट जो फिफ्थ टाइम है, यहीं तक तो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जब प्रेस कर रहे हैं तो 0.7835 ये हम लोगों का जीटी में चला गया। अब तो यहाँ तक तो हो गया, अब हम लोगों का जब हो गया तो हम लोग जीटी प्रेस कर रहे हैं। जीटी प्रेस करने पे क्या हो रहा है, इसको प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ऑलरेडी करके दे दिया हम लोगों को कैलकुलेटर, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 4.329 ओके 4.329। जब ये आ गया हम लोगों का तो ये हम लोगों का वैल्यू आ गया इसका, इसमें मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 1000, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो कितना आ जाएगा 4329, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ आया, देखिए इन सबको ऐड करके हम लोग भी देख लेते हैं एक बार, सही हम लोग कर रहे थे क्या, 0.9523 प्लस 0.9070 प्लस 0.8638 प्लस 0.8227 प्लस 0.7835 कितना आ रहा है, 4.329 एकदम एग्जैक्ट लगभग आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ तक कि इसका जो कंसेप्ट है ये क्या है, इसका जो कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ है, इस चीज़ से अराइज हुआ है। सबसे पहला चीज़ इस चीज़ से अराइज हुआ है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके हम लोग कहाँ लेके आए, यहाँ, और इसको हम लोग कैलकुलेटर में जब डाल दिए तो ये ऐसा बन गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर को लेकर के और ज़्यादा आ जाएगा, ओके। ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन वांट्स टू हैव ₹2 लाख एनुअली फॉर 20 ईयर्स बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन एन एन्युटी इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसको चाहिए ₹2 लाख हर साल एनुअली, कितने साल तक, 20 ईयर्स तक, ओके। और क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट कितना करेगा, बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन एन एनुइटी इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ही विल हैव टू इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट टुडे। मतलब बोल रहे हैं कि आज वो कितना इन्वेस्ट करेगा कि हर साल उसको ₹2 लाख मिलेगा, कितने साल तक, 20 ईयर्स तक, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो क्या करेंगे हम लोग, सारा जो 20 बार लिख करके 2 लाख करके सबको क्या करेंगे, प्रेजेंट में लेके आएंगे। दैट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। और ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन कैसा है ये हम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि बिगनिंग में है, या कोई हिंट भी नहीं है कि बिगनिंग का केस है, तो जब बिगनिंग का केस बताया नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंड का केस है, दैट मीन्स ऑर्डिनरी का है, ओके। तो हम लोग इसका निकालते हैं, क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू कितने टाइम्स, 20 ईयर्स है तो 20 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जीटी प्रेस कर दिए, कितना आ गया 12.4622। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख करते हैं तो कितना आ रहा है, 2492442। इसके आसपास का आंसर कौन सा है,
24,92,440 ये आपका ऑप्शन में था, ठीक है। तो 24,92,440 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मिसेस सरकार रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड हर एम्प्लॉयर गिव्स हर अ पेंशन ऑफ 12,000 अ ईयर पेड ऑन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर आप तो बार बार ईयरली ले रहे हैं ना, तो एक बार सेमी एनुअली वगैरह लेकर के दिखाइए। तो मैंने बोला था अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा। तो ये क्वेश्चन सेमी एनुअली का है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मिसेस सरकार रिटायर हो गई है कितने साल में, 60 ईयर्स में रिटायर कर गई है, और उसका जो एम्प्लॉयर है उसको पेंशन दे रहा है 12,000 रुपये पर ईयर है, ओके 12,000 रुपये पर ईयर पेड ऑन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। उसके हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 6,000 6 मंथ पे, फिर 6,000 अगले 6 मंथ पे, ठीक है। सपोजिंग हर एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ टू बी 13 ईयर्स, मतलब टाइम कितना आ गया आपका 13 ईयर्स, 13 साल तक बोल रहा है कि वो जीवित रहेंगी, उसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, पर एनम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेएबल हाफ ईयरली पेएबल हो रहा है, दैट मीन्स 2% सेमी एनुअली हाफ ईयरली, या फिर बोलो 2% सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। वॉट सिंगल अमाउंट इज द इक्विवेलेंट टू दिस पेंशन, मतलब क्या बोल रहा है ये, इसको मैं ग्राफ से बताता हूँ आपको एक तरह से। देखिए अभी इसको 6,000 रुपये मिला इनको, फिर अगले 6 महीने के बाद 6,000 रुपये मिला, अगले 6 महीने के बाद 6,000 रुपये मिला, अगले 6 महीने के बाद 6,000 रुपये मिला, और इस पर इंटरेस्ट लगते जा रहा है 2% के हिसाब से, 6,000 रुपये 2%, फिर अगले बार 6,000 रुपये 2%, मतलब ये कंपाउंडिंग पे चल रहा है। ये ऐसा कितने बार होगा, 6,000 करके ना टोटल तो बोल रहे 13 साल, तो लेकिन हम लोग तो यहाँ पे 6,000 करके ले रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 26 टाइम्स, ऐसे ऐसे कर कर करके कितना बार जाएगा 26 बार, क्यों 13 साल था और सेमी एनुअली था, ठीक है। तो 13 ईयर्स का सेमी एनुअली अगर देखें तो कितना हो जाएगा 26, ओके। तो हम लोग के पास अब सब चीज़ मिल गया, 26 है टाइम जो हो गया, 26 हो गया, रेट है 2%, 2% सेमी एनुअली, और जो सी है वो 6,000 जो हर साल हर 6 महीने पे मिल रहा है उनको, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों लाना है, सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि वो पूछ रहे कि अभी इन सब ये जो मिलेगा ना उनको फ्यूचर में, इसका आज पूछ रहे कि अगर वैल्यू मिले उनको तो कितना वैल्यू उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, 1/1.02, यहाँ तक समझ में आया, 2% का क्या लिखेंगे 0.02, और इसमें 1 ऐड करने के बाद 1.02, तो 1/1.02 इक्वल टू कितने टाइम्स, 26 टाइम्स, 26 टाइम्स इक्वल टू क्या बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये 26। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, GT प्रेस करना है, कितना आ रहा है 20.12, कितना आया 20.12 आया ये। इसमें क्या करेंगे, 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाय 6,000, कितना आ रहा है 120726, 120726, ओके। तो इसके आसपास का आंसर कौन सा है, 120750, इसके आसपास का आंसर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 120750 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, आपको सेमी एनुअली दे या आपको क्वार्टरली दे, आपको ये एडजस्ट करना है और टाइम एडजस्ट करना है आपको, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट करना है और टाइम एडजस्ट करना है, और ये पैसा एडजस्ट कर लेना उस हिसाब से, तो आपका निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यू विल बी रिसीविंग ₹2,04,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, 2,04,000 रुपये हर साल तुमको मिलेगा, हर साल के एंड में मिलेगा
और अगले 20 साल तक मिलेगा। इफ द करेंट डिस्काउंट रेट फॉर सच अ स्ट्रीम ऑफ कैश इज 10% पर एनम, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसका आप लोग मुझे आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, और जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसमें लव का रिएक्शन दूंगा। ओके, तो वो आंसर सही है और साथ में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आंसर लिख दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज यू स्टार्ट अ रेंट कार बिजनेस एंड वांट टू बाय एन ऑटोमोबाइल। आप एक रेंट कार को रेंट करने का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आप एक ऑटोमोबाइल खरीदना चाहते हैं। यू हैव चॉइस टू बाय द कार कैश डाउन फॉर ₹4 लाख, या तो 4 लाख में आप कैश डाउन दे दीजिए, तुरंत पैसा दे दीजिए, और पेइंग ₹90,000 अ ईयर फॉर 5 ईयर्स। देखिए क्या हो रहा है, एक तो ऑप्शन है आपके पास कि 4 लाख रुपए इंस्टेंटली दे दीजिए कैश, ये एक ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि 90,000 करके हर साल आपको एवरी ईयर नेक्स्ट कितना बोल रहा है 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए देना है। ठीक है, व्हाट इज योर चॉइस इफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10% और इसमें 10% रेट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10%। अब तो आपका चॉइस क्या होगा, आप इसको चूज कीजिएगा या ये ऑप्शन को चूज कीजिएगा। देखिए ये जो आपका चीज है ना, ये जो आपका दिया हुआ है, ये तो आपका 5 साल के लिए दिया हुआ है, तो ये जो 5 साल के तक का जो वैल्यू है, इसको अगर हम लोग आज पकड़ के खींच के ले आए ये वैल्यू, तो उसके बाद ना हम लोगों का ये कंपैरिजन होगा, ये आज का वैल्यू है, ये कभी और का वैल्यू है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों को सेम टाइम पीरियड पे लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है। हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, हम लोग खरीद रहे हैं, तो जो कम आएगा इन दोनों में वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया कैश डाउन, ये हो गया हम लोग का कैश डाउन, ये हो गया हम लोगों का लोन। ठीक है, तो जो कम आएगा वो हम लोगों का वैल्यू होगा। यही हम लोग अगर सेल करते तो इन दोनों में जो ज़्यादा आएगा उसमें हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 90,000 है, सबको प्रेजेंट में लेकर के आएंगे। तो प्रेजेंट में कैसे आएगा, देखिए फर्स्ट ईयर के एंड में 90,000 दिया होगा, एंड में कैसे मान लिया मैंने, यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऑर्डिनरी एनिटी का है, तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में दिया होगा, सेकंड ईयर के एंड में सिर्फ 90,000, थर्ड ईयर के एंड में सिर्फ 90,000, फोर्थ ईयर के एंड में सिर्फ 90,000, फिफ्थ ईयर के एंड में सिर्फ 90,000, तो सबको कोई इस पोर्शन में हम लोग ले करके आएंगे। तो ये पोर्शन निकालना हम लोगों को है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो क्या होगा 1/1.10, कितने बार, 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद GT प्रेस किए, 3.7907 मल्टीप्लाइड बाई कितना था 90,000, मल्टीप्लाइड बाई 90,000, मल्टीप्लाइड बाई 90,000 कितना आ रहा है 341170। तो ये आ रहा है 341170, कौन सा वैल्यू है। हम लोग लोन लेंगे तो हम लोगों का एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ेगा वो इतना पड़ेगा 3,41,170, लेकिन हम लोग कैश डाउन दे रहे हैं अभी कैश, तो हम लोगों को 4 लाख रुपए पड़ रहे हैं, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये ऑप्शन चूज करेंगे। तो अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है, पे कैश, टेक द ऑटो लोन, तो हम लोग क्या करेंगे ऑटो लोन ले लेंगे, डेटा इनसफिशियंट टू आंसर, डेटा तो है हम लोगों के पास, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, आइदर ए और बी। अच्छा, ये वैल्यू हम लोगों का कर करके अगर 4 लाख सेम आ जाता, ये अगर हम लोगों का 4 लाख आ जाता तो क्या करते हम, तो हम लोग क्या करते, तब हम लोग का या तो आइदर ए और बी, या तो ये चूज़ करो या ये चूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या तो 4 लाख आप चूज़ करो या फिर 4 लाख ये वाला चूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर सेम आता तो। लेकिन हम लोग का सेम नहीं आया, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, टेक द ऑटो लोन, 3,41,170 आ रहा है हम लोग का, कम आ रहा है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का एनुटी चैप्टर ख़त्म होता है, चारों वीडियो मैंने डाल दिया, अगर आप लोगों ने चारों देखा है तो आपको एनुटी में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ओके, और मैंने आपको बोला था जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, तो मैं उसको कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मिनट। ओके, देखिए पहला वाला में क्या था, 1.05 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो,
1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू कितने टाइम्स, क्या था ये एन टाइम्स। उसके बाद क्या करना था, जीटी प्रेस करके लोगों वो इक्वल टू करके मल्टीप्लाई, वो जो वैल्यू हर साल मिल रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। ऑर्डिनरी एनईटी में क्या था, 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद इक्वल टू करके यहाँ पे क्या था, एन माइनस वन टाइम्स, ओके एन माइनस वन टाइम्स। उसके बाद फिर जीटी करके, जीटी प्रेस करके फिर क्या था प्लस वन, ये है। उसके बाद फिर इक्वल टू, प्लस वन करके तो छोड़ नहीं सकते, प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा। क्यों माइनस वन यहाँ पे हुआ था मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए फ्यूचर वैल्यू में क्या था कि ऑर्डिनरी एनिटी, ऑर्डिनरी एनिटी एंड में पेमेंट करते हैं, एंड में जब पेमेंट करते हैं तो लास्ट ईयर के भी एंड में हम लोग पेमेंट किए होंगे, जब लास्ट ईयर के एंड में पेमेंट करेंगे तो उसका तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए माइनस वन कर देते हैं यहाँ पे। और लास्ट में जो उसका उस पर तो इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होगा, इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस वन हम लोग कर देंगे, ठीक है। देखिए एनिटी ड्यू क्या है, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू किसका है, एनईटी ड्यू का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वन डिवाइड बाय, डिवाइड बाय करते हैं इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, वन डिवाइड बाय 1.05, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू कितने टाइम्स, एन माइनस वन टाइम्स, एन माइनस वन टाइम्स क्योंकि एन माइनस वन टाइम्स इसलिए किए क्योंकि जब हम लोग, ये क्या होता है, शुरू में पेमेंट होता है, फर्स्ट में, जब फर्स्ट में पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग को फ्यूचर वैल्यू चाहिए, फर्स्ट में पेमेंट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू चाहिए, तो जो फर्स्ट ईयर जो पेमेंट किए होंगे फर्स्ट में, ईयर के शुरू में जो फर्स्ट ईयर, एकदम फर्स्ट ईयर में जब शुरू किए होंगे तो उसमें तो इंटरेस्ट फैक्टर नहीं हुआ होगा, इसलिए। तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जीटी करते हैं, पहले इसको सबको जीटी तो कर लें, उसके बाद जीटी करके फिर प्लस वन कर देते हैं हम लोग, उसके बाद फिर इक्वल टू जो आता है, इसलिए प्लस वन उसका तो, इसमें तो इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होगा इसलिए प्लस वन यहाँ पे आ जाता है, ओके। बाकी चार जो रहता है, मान लो पाँच साल है तो चार जो रहता है उस पर इंटरेस्ट फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे एन माइनस वन आता है, मान लो पाँच साल है तो चार बार के लिए हम लोग का इंटरेस्ट फैक्टर होगा। और ऑर्डिनरी एनईटी के लिए क्या है, सेम वन डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू कितने टाइम्स, एन टाइम्स। फिर से इसमें एन टाइम्स क्यों हुआ, एन टाइम्स इसलिए हुआ क्योंकि सारा एंड में पेमेंट हो रहा है, एंड में जब पेमेंट होता है तो फर्स्ट ईयर के भी एंड में होगा, सेकेंड ईयर के भी एंड में होगा, तो जब फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट हो रहा है तो फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट होगा तो उस पर भी तो इंटरेस्ट फैक्टर लग गया है ना, तो उसको भी तो प्रेजेंट में लाने के लिए उसके इंटरेस्ट फैक्टर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एन टाइम्स, और फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट हो रहा है तो फिफ्थ ईयर के एंड में जब पेमेंट होगा तो उसको भी शुरू में लाने के लिए उस पर इंटरेस्ट फैक्टर होगा, टोटल पाँच साल है तो फाइव टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद फिर जीटी, उसके बाद प्लस वगैरह कुछ करने के नाइन, लास्ट में माइन इक्वल टू करके जो भी मल्टीप्लाई करना है इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। मतलब मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर देना है हम लोगों को। तो जीटी करने के बाद ये जो वैल्यू आता है ना, जीटी करने के बाद ये और प्लस वन करने के बाद ये वैल्यू को आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा, यहाँ पे ये वैल्यू को लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। तो बहुत आसान हो जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज़ देखिए, किस में किस किस केस में, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए किस किस केस में हम लोगों का एन माइनस वन टाइम्स नहीं हो रहा है, ये एनईटी ड्यू के केस में, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी ड्यू, और ऑर्डिनरी एनईटी किसका, प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों केस में हम लोगों का प्लस वन वाला चीज़ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आप लोग एक बार सोचिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया और पहले भी बताया हूँ, और इन दोनों केस में प्लस वन हो रहा है और क्यों हो रहा है ये भी आप लोग सोचिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का एनईटी खत्म होता है, कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने दिख कर लिया है, चार वीडियो में, काफ़ी लेंदी हुआ है वीडियो, करीब करीब तो आपका साढ़े तीन घंटे का लेक्चर हो चुका है, तीन घंटे के आसपास का। तो आपको पूरा एनईटी सीरीज़ कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके दिखाइए, बोलिए कि कैसा लगा आपको, आपको कितना समझ में आया,
ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा नहीं कि कहीं पे भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई बता रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो जब सीरीज़ निकाल रहे हैं तो फिर, क्योंकि मैंने पहले ही एनईटी का एक वीडियो बनाया था और यही चीज़ को मैंने उसमें बताया था सब चीज़, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया था मैंने। चारों जो है ना फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का चाहिए, चारों केस एक ही वीडियो में कर दिया था, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होता ही है। अब देखिए, अब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में तो टाइम तो लगता है, तो वो वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग उस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। और ये कैसा लगा आपको पूरा एनईटी सीरीज़, आप लोग लिखिए।